हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अयोध्या में भगवान राम के भव्य दर्शन को जनता से बताया। सीएम ने आने वाले 100 दिनों में हरियाणा वासियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया। देखिए ये खास। सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम सैनी ने अयोध्या में किए भगवान राम के दर्शन। सीएम सैनी ने हरियाणा के विकास का लिया संकल्प। आने वाले 100 दिनों में हरियाणा वासियों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं होंगी पूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि आज एक विषय को लेकर रूबरू होने का मौका मिला है। सीएम सैनी ने कहा कि अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए गए थे, जहां उनके लिए सबसे गर्व की बात ये रही कि लंबे समय के बाद दिव्य और भव्य स्वरूप का दर्शन करने को मिला। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आने वाले 100 दिनों में हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का सोशल इकोनॉमिक पर एक फैसला आया है, जिसमें लंबे समय से नौकरियों से वंचित गरीब बच्चों, घुमंतु जातियों, जो ओबीसी और एससी में नहीं आते हैं, उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। 2018 में इसको लागू किया गया था। दर्शन करने के लिए अयोध्या में हम गए थे। हम सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है, लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य रूप देखने को मिला है। श्री रामलला के दर्शन 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों के सुखद भविष्य के लिए, आने वाले 100 दिनों में हम कड़ी मेहनत का संकल्प लेते हुए हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का हम कार्य करेंगे। सीएम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सीएम ने कहा, कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग गरीब के विरोधी हैं। उनके बयानों से स्पष्ट नजर आ रहा है। इस फैसले पर भ्रम की स्थिति पैदा करने वालों को सीएम आईना दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस के समय में प्रदेश में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद हावी था, जिस कारण योग युवाओं में हताशा और निराशा जाग गई। युवा पढ़ने में नहीं बल्कि दफ्तरों का चक्कर काटने में लगा रहता था। गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं था, जिसके पास देने के लिए वोट तो था मगर इनके पास उनके लिए नौकरी नहीं थी। इनके शासन काल में गरीब लोगों की बहुत से नौकरियां दूर थी। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपने कार्यकाल में 1,32,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्चे के हमने देने का काम किया है। हरियाणा सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, ये बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही, जिसे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में पहले युवा सिफारिश ढूंढते थे, लेकिन आज युवा लाइब्रेरी ढूंढते हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। और अभी एक फैसला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है, जो सोशो इनकम को लेकर के हमने अपने प्रदेश के गरीब विधवाओं, गरीब अनाथ बच्चों और दशकों से सरकारी नौकरियों से वंचित गरीब परिवारों के सदस्यों, विमुक्त जातियों और घुमंतु जातियों के उन गरीब परिवारों को, जो न तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं और न ही बैकवर्ड क्लास में आते हैं, तथा कच्चे कर्मचारी, जो अनुभव के आधार के ऊपर हमने कुछ अंक हमने देने के, हमारी वर्ष 2018 से चली आ रही इस नीति को
के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। अगले 100 दिनों में, मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। हम उन 50,000 भर्तियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। परंतु आपके माध्यम से आज मैं 5 बातें हरियाणा के जनता के सामने पहुंचाना चाहता हूं। हमारी सामाजिक आर्थिक नीति अंत्योदय पर आधारित है। हम इस नीति पर अडिग थे, अडिग रहेंगे, अडिग हैं। जिन हजारों युवाओं ने आज इस नीति के बल पर हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग की है, किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा। आज इस फैसले से सीईटी के एग्जाम पर कोई सवालिया निशान नहीं है। कांग्रेस के लोग इस फैसले पर ओछी राजनीति के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। यदि कांग्रेस के लोगों को इन गरीब विधवाओं, गरीब अनाथ बच्चों, बिना नौकरी वाले परिवारों, कच्चे कर्मचारियों, विमुक्त जातियों के युवाओं के खिलाफ हैं, तो इस पर विचार करें। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, वो इस पर विचार करें, क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के हकों के लिए लड़ रही है। हम इनको अगर जरूरत पड़ी एक विधेयक विधानसभा में ला करके लेकर के आएंगे, ताकि गरीब व्यक्ति के लिए जो अंत्योदय की भावना से हमारी सरकार ने जो गरीब व्यक्ति को लाभ दिया है, हमारी सरकार मजबूती से उन गरीब लोगों के साथ खड़ी है। तस से मस नहीं होगी, चाहे हमें रिव्यू पिटीशन में जाना पड़े, चाहे हमें विधानसभा में विधेयक लेकर के आना पड़े, हम गरीब लोगों के साथ हैं। परंतु पिछली सरकार के दौरान जो कांग्रेस के लोग आज उन गरीब लोगों के, अगर किसी के परिवार में नौकरी नहीं है, परिवार गरीब है, अनाथ है, मां बाप नहीं है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, अगर इस योजना के माध्यम से उस परिवार में अगर दीपक जला है, अगर प्रकाश हुआ है, तो कांग्रेस के लोगों को इतना उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो इतना उत्साहित हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लोग ये गरीब के विरोधी हैं। ये स्पष्ट इनके इस बयानों से दिखाई दे रहा है। मैं उनको आईना भी दिखाना चाहता हूं, जो लोग ट्वीट करके बात करते हैं, जो लोग इस फैसले के ऊपर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इनकी सरकार में सरकारी नौकरियों लेने के अंदर भाई भतीजावाद
एकदम सर उठा करके दिखाई देता था, क्षेत्रवाद जातिवाद का बोलबाला था, यह कांग्रेस की सरकार के अंदर था, नौकरियों की बोली लगती थी, जिनके पास ज्यादा पैसा होता था या जितनी ज्यादा पहुंच होती थी उसी को ही नौकरी मिलती थी। इससे योग्य युवाओं में हताशा और निराशा ये कांग्रेस के समय में युवाओं के अंदर पनप गई थी। युवा पढ़ने के तरफ नहीं, इनके चक्कर काटने में लगा रहता था, माँ बाप भी इनके चक्कर काटने में लगा रहता था और अपने पड़ोस गांव के लोगों को भी लेकर के इनके चक्कर काटता रहता था कि हमें नौकरी मिल जाए। ये हालात इनके समय के अंदर था, परंतु गरीब व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं होता था, बहुत सारा बड़ा वर्ग एक ऐसा था जिसके पास देने के लिए वोट तो थी परंतु इनके पास उनको देने के लिए नौकरी नहीं थी। किसी भी गरीब व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं था, एक भी बच्चे को इन्होंने नौकरी नहीं दी, क्योंकि पर्ची और खर्ची से नौकरियां लगती थी, नौकरियों की बोलियां लगती थी, गरीब व्यक्ति की पहुंच से नौकरियां दूर थी। परंतु अगर आज हम देखें, हमने योग्यता के आधार पर बिना पर्ची बिना खर्ची के 132,000 नौकरियां देने का काम किया है, 132,000। जो लोग ट्वीट करके वाह वाही लूट रहे हैं, उन गरीबों का अपनी सरकार के अंदर तो मजाक करते थे, अगर हमने उनको कहीं गरीब व्यक्ति की हमारी सरकार ने चिंता की है, गरीब व्यक्ति के साथ हमारी सरकार खड़ी है, तो उसको लेकर के भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। हमारे युवाओं में आज एक नई आशा और विश्वास का संचार हुआ है, वे नौकरी पाने के लिए किसी नेता की दहलीज के ऊपर हाथ नहीं फैलाना पड़ता, आज अपना स्वाभिमान से सर ऊंचा करके मेरा युवा आज हरियाणा सरकार की नौकरी ले रहा है, यह विश्वास जगाया है। पहले तो वो सिफारिश ढूंढते थे और आज लाइब्रेरी ढूंढते हैं। ये अंतर कांग्रेस की सरकार में और हमारी सरकार के अंदर आया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी 7 दिसंबर 2018 को माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के सामाजिक आर्थिक आधार पर हमने जो 5 अंक दिए थे, जिसका प्रावधान किया था, उसकी सराहना भी की थी। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि सीएम सैनी ने आने वाले 100 दिनों में हरियाणा वासियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में गरीब परिवार जो सुविधाओं से वंचित थे, उसको पूरा करने का वाहन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।